समर में हमें बहुत सारा स्वेटिंग होता है और स्वेटिंग की वजह से हमें अपने स्कैल्प में इरिटेशन और खुजली आने लगती है। किसी किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो किसी किसी को डैंड्रफ भी होने लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे हेयर वीक भी होते हैं और हमारा हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे हम बनाएंगे हेयर ग्रोथ क्लींजर और ये ऐसा क्लींजर रहेगा जो आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा नेचुरली, आपके डेड स्किन को भी क्लीन करेगा, साथ साथ में आपको डैंड्रफ वगैरह अगर हो गया है तो उसको भी क्योर करेगा। तो आपका अगर हेयर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो फिर आपके हेयर एकदम हेल्दी भी हो जाएंगे और आपका जो हेयर ग्रोथ स्टॉप हो गया है उसको वापस आपका हेयर ग्रोथ फास्ट भी करेगा। ये सारे बेनिफिट है आज के ये क्लींजर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे अभी गिव अवे चल रहा है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे फर्स्ट पिन कमेंट से मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। स्किन केयर और हेयर केयर दोनों सीरीज को आपको फॉलो करना है, कमेंट करना है एवरी वीडियो में, मेरे दोनों चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में आपको जो मैंने जो रेमेडीज बनाई हैं वो आपको बना के पिक्चर सेंड करने हैं। तो ये इस तरह से आपको मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है और मेरा फ्राइडे लास्ट डे रहेगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरह से आपको मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और ब्यूटी केयर में रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगी विद अफर्मेशन। तो चलिए रेमेडीज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम समर स्पेशल हेयर क्लींजर बनाने वाले हैं और ऐसा क्लींजर रहेगा जो आपके हेयर को क्लीन भी करेगा, आपके स्कैल्प का जो डेड स्किन है उसको भी रिमूव करेगा और आपका जो हेयर ग्रोथ रुका हुआ है उसको वापस हेयर ग्रोथ आपका शुरू करेगा और आपके थिन हेयर को थिक हेयर में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये हेयर ग्रोथ हमारा क्लींजर है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहला जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है रीठा पाउडर। रीठा आपको पता ही है कि नेचुरल क्लींजर है और ये हेयर को क्लीन तो करता है लेकिन साथ साथ में आपके हेयर में शाइन बढ़ाएगा और स्कैल्प में जो डेड स्किन वगैरह हो जाता है तो उसको रिमूव करता है और साथ साथ में आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम रीठा पाउडर लिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा सीकाकाई पाउडर। सीकाकाई आपको पता ही है कि नेचुरली आपके हेयर को ब्लैक करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है और ये आपके हेयर को शाइन भी लाने में हेल्प करता है और साथ में आपके हेयर को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे 25 ग्राम हमने सीकाकाई पाउडर लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा आंवला पाउडर। तो आंवला आपको पता ही है विटामिन सी रिच रहता है जो नेचुरली आपके हेयर को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, आपके हेयर में शाइन लाता है और ये अगर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो तो आपके व्हाइट हेयर को भी ब्लैक हेयर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे 25 ग्राम हमने आंवला पाउडर लिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है मोरिंगा पाउडर। यस, तो यहाँ पे मैंने लिया है 25 ग्राम मोरिंगा पाउडर और मोरिंगा पाउडर के कितने बेनिफिट है वो आप आगे के वीडियो में देख ही चुके हो कि कितने बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक ऐसे अच्छे से कंटेनर में हम इसको भर लेंगे। फिर इसको हमें कैसे यूज करना है, तो यूज करने के टाइम आपको जैसे आपके हेयर है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हमने जो हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाया हुआ था तो मैंने उसको ऐड करके फिर इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए यहाँ पे जितना आपकी हेयर की लेंथ है उस हिसाब से आपको पाउडर लेना है। फिर उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने जो हमने हेयर टॉनिक बनाया हुआ था उसको मैंने ऐड किया हुआ है ताकि हमें इसका और अच्छा रिजल्ट मिले। इसके अंदर आप चाहो तो राइस वाटर भी डाल सकते हो, अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ऑयली है तो उसके अंदर आप कसर विनेगर भी डाल सकते हो। तो अपने हेयर की प्रॉब्लम के हिसाब से इसके अंदर आप वेरिएशन कर सकते हो। तो फिर इसके बाद फिर आप एक लिक्विड फॉर्म रहना चाहिए, फिर इसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर सकते हो। तो हेयर वॉश के बाद आप देख सकते हो रिजल्ट कैसा लग रहा है, इतने साइन शाइन कर रहे हैं मेरे हेयर, देख सकते हो आप एकदम। तो ये इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं सारी हेयर ग्रोथ सीरीज को फॉलो कर रही हूँ अराउंड 15 डेज से और मैं कल के वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरे ये जो हेयर ग्रोथ सीरीज को मैंने फॉलो किया है तो उससे मेरे हेयर में कितना ग्रोथ आया है। तो पूरा मेजरमेंट के साथ मैंने किया हुआ है तो वो कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये हेयर वॉश पाउडर अगर डेली यूज करते हो तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ये आपके हेयर फॉल स्टॉप करेगा इंस्टेंटली।
आपके हेयर में डैंड्रफ है उसको रिमूव करेगा, उसके बाद फिर आपके हेयर को ग्रो करेगा, स्कैल्प दिखने लगा है तो वहां पे हेयर रीग्रोथ भी करेगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज एक क्लींजर में है, और साथ में आपके हेयर डैमेज हो चुके हैं, जैसे अभी समर में हेयर बहुत डैमेज हो जाते हैं तो उसको भी क्योर करेगा, आपके स्प्लिट एंड्स है तो उसको भी क्योर करेगा। तो बहुत सारे हेयर की प्रॉब्लम ये सिर्फ एक ही हेयर वॉश पाउडर आपका सब सॉल्व करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आने वाला है, और कल के वीडियो में आपको हेयर ग्रोथ ड्रिंक भी आने वाला है कल का वीडियो। तो कल आई थिंक लास्ट वीडियो रहेगा मेरा, तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और गिव अवे का गिफ्ट क्या है वो मैंने अनाउंस कर दिया है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।